NBC24 न्यूज़ एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। जिले के सबसे बड़े विद्यालय में प्राचार्य और विद्यार्थी के बीच में हुए तूतू मैमै। बैतूल जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय जो कि कुछ न कुछ मामले में सुर्खियों में रहता है, कॉलेज में अभी छात्रों के बायोमेट्रिक का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कॉलेज में लगभग 12,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें JH कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एक विद्यार्थी से अपशब्द से बात करते नजर आ रहे हैं। जब हमने इस मामले की सच्चाई के विद्यार्थी नितिन विश्वास से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा प्राचार्य से यह बात कही गई कि सर 12,000 बच्चे हैं, भीड़ ज्यादा हो रही है, आप कर्मचारी ज्यादा लगाइए। इसी बात को लेकर प्राचार्य भड़क गए और अपशब्दों का उपयोग करने लगे। जब हमारे मीडियाकर्मी प्राचार्य से इस मामले की सच्चाई जाननी चाहिए तो प्राचार्य उल्टा पत्रकारों से ही प्रश्न करने लगे और ऑन कैमरा विद्यार्थी नितिन से अभद्र बात कर उसको कहे तेरे जैसे लोगों को खरीद लूंगा। NBC24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम नितिन विश्वास है, मैं JH कॉलेज का MA पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर का छात्र हूँ, थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। क्या मामला है ये ये वीडियो? एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जब छात्र छात्राओं को लेकर शुक्रवार के दिन प्राचार्य महोदय के पास गया तो बायोमेट्रिक चल रहा है, 12,000 छात्र कॉलेज की स्ट्रेंथ है और उस पर सिर्फ उन्होंने एक ऑपरेटर की व्यवस्था की है बायोमेट्रिक में। तो मैं जब प्रिंसिपल सर के पास बच्चों को लेके गया तो वो मुझे बोलते हैं हरामखोर, तुम्हारे बाप का कॉलेज है, इस प्रकार के अपशब्दों का मेरे से प्रयोग किया और बोलते जान से मरवा दूंगा, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, है ना, ये ऐसा हुआ मेरे साथ। आपने कोई रिपोर्ट करी इस संबंध में? मैंने इस संबंध में SP मैम और कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन दिया हूँ। गंज थाने में भी मैंने FIR के लिए आवेदन दिया हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और प्रचार, ये प्रभारी प्रचार है तो इनको प्रभारी प्रचार के पद से जल्द हटाया जाए क्योंकि ऐसे प्रचार इस टाइप की बातें नहीं कर सकते एक शासकीय प्रचार होने के कारण। सर, कॉलेज का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? शुक्रवार के दिन लगभग 2 बजे नितिन विश्वास जो कि वर्तमान में महाविद्यालय के छात्र नहीं हैं, वह एक दो छात्र छात्राओं को लेकर आए थे कि हमारे यहाँ पर जो है अभी वो क्या कहते हैं यार, क्यों है इसकी बायोमेट्रिक्स मशीन के माध्यम से अब सभी छात्र छात्राओं की अटेंडेंस होगी। उसका एक प्रोसेस है जो हर छात्र छात्रों को थंब लगाकर उसको रजिस्टर करना है। उसमें चूंकि शुक्रवार के दिन हम लोगों ने वैसे आउटसोर्सिंग से कुछ लोगों को आमंत्रित किया हुआ है जो प्रति कक्षा में जाकर एक शेड्यूल बना हुआ कि हर कक्षा का वो थंब इंप्रेशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे छात्रों का। उस दिन कॉमर्स का चल रहा था। ये दो छात्र जिनको लेके आए थे वो संभवतः कला संकाय के थे और हिंदी साहित्य के, जिसका पहले आज आप किसी भी महाविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि नहीं हो, आप अपनी व्यक्तिगत समस्या लाइए। व्यक्तिगत समस्या, सौ यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ शतरंज, आप सौ यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ, बोल रहे हो भ्रष्टाचारी हो आप, आप मेरे जैसे PG प्रिंसिपल जिसका जो है ना उस पर ये इसको वीडियो बनाई, इसका मान इस पर मैं मानहानि पे दावा करूँ। मानहानि का क्या दावा करेंगे आप? भ्रष्टाचार कर रहे हो, छोड़ दो ये चोरी करना जो कर रहे हो आप। तेरे जैसे लोगों को खरीद लूंगा मैं। अच्छा, भ्रष्टाचार का यही धमकी दे रहा हूँ, मेरे जैसे लोगों को खरीद लूंगा।
धमकी दे रहे हो, है ना? आप धमकी दे रहे हो, ठीक है। चैंबर से बाहर, चैंबर से बाहर। और क्यों? और ये बाकी ये कौन सा आपके खास वाले विद्यार्थी जो बैठे हैं क्लास में? अनुमति लेके आए? किससे अनुमति लिए उन्होंने? ये खास बच्चे हैं आपके? ये विद्यार्थी परिषद के छात्र खालते हो आप? हाँ, ये विद्यार्थी परिषद के छात्र आप? ये विद्यार्थी परिषद के छात्र हमसे? वो मेरी अनुमति लेकर आए हैं, आप मेरी अनुमति लेकर नहीं आए, और आपको कोई अनुमति नहीं।